हमारे साथ ब्रजलाल जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं नासिर कुरैशी बात कर रहा हूँ खबरें अभी तक से। ब्रजलाल जी, बहुत अच्छा, क्या कहेंगे इस नतीजों पर? ये बहुत बड़ी जीत है जी। रामपुर में आजम खान के गढ़ में जी, जहाँ लोग समझते थे आजम खान अजय, और वहाँ 42,000 से ज्यादा वोटों से हम जीते हैं। और जहाँ अखिलेश यादव रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव रहे, वहाँ भी बस खाली रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी, वहाँ भी हम जीत रहे हैं। ब्रजलाल जी, तो राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि उपचुनाव में ज्यादातर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके उम्मीदवारों को फायदा मिलता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, अच्छा। ऐसी बात नहीं है, वोट हमेशा निष्पक्ष होता रहा। मैं तो 38 साल मैंने वर्दी पहनी है, पुलिस का डीजीपी रहा हूँ। ये जो हमेशा वोट निष्पक्ष पब्लिक वोट डालती है, तो यहाँ वोट जो पड़े हैं और पब्लिक ने उस गढ़ में जो लोग समझते थे कि समाजवादी पार्टी का अजय गढ़ है जी, और वहां पर हम इस मार्जिन से जीते, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये सब इसके बधाई के पात्र हैं जी। क्योंकि जितने भी योजनाएं हैं, अभी मैं बिजनौर में बैठा हूँ, लोग जो चुनाव होगा तब आएंगे, और मैं सांसद हूँ, मैं यहाँ धामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी सर दलित भाइयों के बीच में बैठा हूँ जी, बूथ बूथ पर जा रहा हूँ जी। तो हमारा जो है, हमारी पार्टी सेवा करती है, जितने योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ब्राह्मण ठाकुर दलित, सबकी जो गरीब है उसको योजनाएं मिलती हैं। सर ब्रजलाल जी, संक्षेप में एक प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक सबब क्या रहा है चुनाव में हार का? चुनाव में सबक ये रहा, अखिलेश जी को मदहान हो गए थे जी, वो सोच रहे नहीं जाऊंगा तब भी मैं जीतूंगा ठीक, और वो जो उन्होंने परिवारवाद नहीं छोड़ा, एक दलित को पहले वोट दिया ठीक है, टिकट दिया था और काट दिया, और खुद अपने भाई को दिया और हार गए, तो ये पार्टी भी खत्म हो रही है कांग्रेस की तरफ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए ब्रजलाल जी।